हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। कॉम्बो बॉक्स जो कंट्रोल है, इसमें समझने वाली बात केवल इतनी है कि लिस्ट बॉक्स में आपको एक ऑप्शन नहीं मिलता। लिस्ट बॉक्स में आपके पास में इनपुट देने का कोई माध्यम नहीं होता। यदि आप टेक्स्ट बॉक्स को और लिस्ट बॉक्स को मिक्स कर दें तो ये बनता है कॉम्बो बॉक्स, इसीलिए इसका नाम होता है कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स की परिभाषा भी यही है कि लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। इसे बनाने के लिए आपके पास में एक फॉर्म होना चाहिए। फॉर्म में आप कोई भी कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक फॉर्म हम लेके आएंगे यहाँ पे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक फॉर्म ले आया, फॉर्म 6, और इसमें हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स लाते हैं। ये बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स ऐसा दिखाई देता है। इसमें एक ड्रॉप डाउन एरो भी बनी होती है जिसके द्वारा आप आइटम्स का सिलेक्शन भी कर सकेंगे। तो मैं प्रॉपर्टीज़ में इस फॉर्म को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जिसका नाम है फॉर्म 6, और इसका एक डेमो आपको दिखा देता हूँ कि ये रन होने के बाद किस तरीके से दिखाई देगा। तो जैसा कि हम लिस्ट बॉक्स में लिस्ट बना सकते हैं डिज़ाइन टाइम में, वैसे ही आप फॉर्म पर भी डिज़ाइन टाइम में यहाँ पर आइटम्स नाम से जो भी आपको आइटम यहाँ पे चूज़ करना हो, जैसे मान लीजिए आपकी हॉबीज़ हैं, इसमें स्पोर्ट्स आता है, ड्राइंग आती है, तो मैं यहाँ पे एक कॉमन जिस जो सभी की हॉबीज़ होती हैं मैं उनकी लिस्ट बना दे रहा हूँ, ड्राइंग करना। तो आज की तारीख के हिसाब से जो कॉमन सभी की हॉबीज़ होती हैं उसकी मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी। आप देखेंगे कि ये आपको ड्रॉप डाउन पर यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके कॉम्बो बॉक्स में टेक्स्ट के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स लेके आते हैं और हम अपनी हॉबीज़ को सेलेक्ट करने के बाद में इन हॉबीज़ को इस लिस्ट बॉक्स में ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। तो ये काम हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कमांड बटन ले आते हैं। कमांड बटन के द्वारा हम इसमें एक डबल एरो बना देते हैं जो ये दर्शाएगा कि आप यहाँ पर जो भी आइटम को सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका आइटम यहाँ पर दिख रहा है, आप उसे इसमें क्लिक करके लिस्ट बॉक्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यदि मान लीजिए इनमें से कोई भी हॉबी आपको पसंद नहीं है तो आप चाहें तो यहाँ पे कोई नया चीज़ जैसे कि एक्टिंग भी किसी किसी की हॉबी होती है, तो आप एक्टिंग को भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो चलिए इसे बनाने का काम पूरा करते हैं। तो अब हमारे पास में लिस्ट बॉक्स पे है जिसमें यहाँ पर हमको आइटम दिखाई दे रहा है, केवल लिस्ट बॉक्स 1 यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे कमांड बटन पे काम करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड आइटम्स इज़ ग्रेटर देन -1 देन। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम एक आइटम तो सेलेक्ट होना ही चाहिए। अगर वो -1 है तो ही ये काम करेगा, मतलब -1 से ज़्यादा है तो ये चीज़ काम करेगी, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। मतलब आप कितना ही बटन दबा लें ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब बारी आती है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, dim index, ये इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं एज इंटीजर। इस इंडेक्स वेरिएबल में हम क्या करेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स का जो भी सेलेक्टेड इंडेक्स है उसे हम असाइन कर देंगे। तो इससे ये पहचान हो जाएगी कि हमने कौन सा आइटम सेलेक्ट करके रखा हुआ है। दूसरा काम ये कि हम एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में आइटम है, तो आइटम एज हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि आइटम को हम क्या करेंगे, लिस्ट बॉक्स में ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने आइटम नाम का एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट की तरह डिक्लेयर कर लिया। तो अब हमें करना यह है कि हमारे आइटम का नाम है आइटम इज इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स का जो भी सेलेक्टेड आइटम है उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो दो प्रॉपर्टी यहाँ पर अलग अलग है, एक है इंडेक्स, दूसरा है आइटम। अब आइटम में वो चीज़ स्टोर हो चुकी है जिसे हम ऐड करेंगे लिस्ट बॉक्स में। अब हमें पता ही है कि लिस्ट बॉक्स में आइटम कैसे ऐड किया जाता है, तो लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड। यदि आपको नहीं आता लिस्ट बॉक्स बहुत अच्छे से तो आप पिछले लेक्चर में जाके लिस्ट बॉक्स को देख सकते हैं। हमें इसमें ऐड करना है आइटम को। तो इतना लिखने के बाद में अब मैं इसे रन करता हूँ, और रन करने के बाद में सबसे पहले मैं एक्टिंग को यहाँ पर ऐड करता हूँ, देखेंगे आप। तो एक्टिंग लिखने के बाद ये चीज़ यहाँ पर, एक मिनट एक एरर है, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। ओके, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि यहाँ पे हमने, इससे पहले स्टॉप कर लेते हैं, यहाँ पे हमने सेलेक्टेड आइटम लिखा है जो कि होगा सेलेक्टेड इंडेक्स।
क्योंकि इंडेक्स जो है वो -1 से ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद इसका आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर हम इसे रन करने के बाद में यहाँ पे कोई आइटम नहीं डालेंगे तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी और कोई आइटम ऐड ही नहीं होगा। अब यदि आप कोई चीज़ यहाँ पे लिख भी देते हैं, जैसे मैं एक्टिंग लिखने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे इसलिए ऐड नहीं होगी क्योंकि इसका कॉम्बो बॉक्स के लिस्ट का अभी हमने इंडेक्स चेंज नहीं किया है। अब देखिए, अब यहाँ से मैं स्टडी सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट करता हूँ तो स्टडी ऐड हो रहा है। तो ये काम करने की वजह क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि यहाँ पे डांसिंग जो है वो नंबर 1, 2, 3, 4 पे है, तो ये 4 नंबर का जो चीज़ है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये था कॉम्बो बॉक्स से लिस्ट बॉक्स में किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने का तरीका, और कॉम्बो बॉक्स आप किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो टेक्स्ट बॉक्स में आइटम है उसे आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स के आइटम को यदि आपको ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली क्या लिख देना है, लिस्ट बॉक्स। इस पूरे कोड को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे जो हम आइटम ऐड कर रहे हैं इसकी जगह हम लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स डॉट इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स में आइटम रहेगा वो चीज़ क्या हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिंग, तो अब हम कंडीशन की ओर जा ही नहीं रहे, तो यहाँ पे एक्टिंग जो है ऐड हो गई। अब आप चाहें तो एक्टिंग को कितनी बार भी ऐड कर सकते हैं, अभी आपके ऊपर में है, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। तो जब भी आप यहाँ पे कोई चीज़ को लिख के ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड होगा, और अगर आप डांसिंग को ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो ये था आपका कोड कि आप कॉम्बो बॉक्स से लिस्ट बॉक्स में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप किस तरीके से इसमें कंपेयर कर सकते हैं लिस्ट बॉक्स में और कॉम्बो बॉक्स में, कि कॉम्बो बॉक्स में एक टेक्स्ट बॉक्स भी होता है जिसके द्वारा आप इनपुट दे सकते हैं। ये था आज का प्रोग्राम। तो यदि प्रोग्राम पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।